आज बैरस रसुद्दीन अवैसी साहब सदर कुल्लीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद की कामयाबी पर यहाँ जश्न मनाने के लिए आए हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिंदाबाद, बरस रसदुद्दीन अवैसी जिंदाबाद, अकबरुद्दीन अवैसी जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हम बिदर ज़िले के विलेज हमलापुर में मजलिस की यूनिट की दावत पर आज बैरस रसुद्दीन अवैसी साहब सदर कुल्लीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद की कामयाबी पर यहाँ जश्न मनाने के लिए आए हैं। मैं हैदराबाद की आवाम का, हमारे ज़िले की एक यूनिट और अमलापुर की यूनिट और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को चाहने वाले बिदर की तमाम आवाम की तरफ से हैदराबाद की आवाम का शुक्रिया अदा करते हैं और साथ ही साथ सदर मजलिस को बिदर डिस्ट्रिक्ट और विलेज अमलापुर की जानिब से कामयाबी पर परखलूस मुबारकबाद देते हैं। देखिए, इलेक्शन बड़ी गर्मी में आया था लेकिन हैदराबाद की आवाम ने धूप की तपिश को बर्दाश्त करते हुए, ख़ासकर वहाँ की माएँ बहनें लाइन में ठहर कर वोट डाले हैं। हैदराबाद की आवाम का जितना भी शुक्रिया अदा करें बहुत कम है। आली जनाब अलहाज नखीबी मिल्लत बैरस रसुद्दीन अवैसी साहब भारत के उन मजलूमों की आवाज़ है, दलित मुस्लिम माइनॉरिटी जिनके ऊपर भी जुल्म होता है और जिनके ऊपर भी नाइंसाफ़ी होती है, उस जुल्म के ख़िलाफ़ गली से लेकर दिल्ली तक पार्लियामेंट में आवाज़ उठाते हैं और बेबाक आवाज़ उठाते हैं। आज शहर बिदर ही नहीं, भारत के तमाम रहने वालों की निगाहें हैदराबाद पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी की तरफ थी। कई लोग कॉल कर मुझे और मेरे जमात के रुफा को फ़ोन कर पूछ रहे थे कि आपके पार्टी के सदर कितनी लीड से आगे हैं और क्या जीत अनकरीब है। अल्हम्दुलिल्लाह हैदराबाद की अवाम ने फिर एक बार बता दिया कि भारत में अगर संविधान बचाने की कोई लड़ाई पार्लियामेंट में लड़ सकते हैं तो मेरे ख़ायद अली जनाब अलहाज नखीमुल्लत बैरस रसुद्दीन अवैसी साहब भी लड़ सकते हैं। आज भारत के मौजूदा हालात देखिए आप, कई 18-19 स्टेट ऐसे हैं जहां पर ख़ासकर माइनॉरिटी मुसलमानों की तरफ से एक भी एमपी जीत कर नहीं गया। तो बहुत आने वाले इंतखाबात में बहुत सोचने की बात है कि इस तरीके से अगर इलेक्शन होते जाएंगे, भारत के सबसे बड़ी माइनॉरिटीज़ को अगर नज़रअंदाज किया जाएगा तो संविधान में जो बारीकियाँ हैं उसको ख़त्म करने की जो साजिशें तमाम पार्टी कर रही हैं आने वाले वक्त में बहुत गलत होगा। मैं फिर एक मरतबा अमलापुर और बिदर की आवाम का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। यहाँ पर मेरे पार्टी के रफ़ा बिदर सिटी के सदर सीनियर ख़ायद मिर्ज़ा सफ़ीउल्लाह बेग, साजिद सज्जूलाला, हफीज़ कुरैशी, जमील और समीर, यहाँ पर हम बिदर से यहाँ पर अमलापुर विलेज में आए थे। यहाँ के पार्टी के यूनिट के समीर और एक हमारे मीडिया समीर, हमारे तखीम भाई और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम चाहने वाले यहाँ पर बुलाकर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कामयाबी पर जश्न मनाए, शेरनी तकसीम करें। इनका मैं
मैं मेरी पार्टी की तरफ से और मेरे जमात के तमाम लोगों की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ। अभी आने वाले टाइम पर हमारे ज़िले और कर्नाटक में ज़िला पंचायत और तालुका पंचायत इंतखाबात अनकरीब होने वाले हैं, उसका ऐलान होने वाला है। हम पिछले टाइम ZP और TP बहुत अर्जेंट में इलेक्शन लड़े थे, कुछ करीब करीब वोटों से आकर जो है ना हम पीछे रह गए थे। इंशाल्लाह आने वाले इंतखाबात में जिस तरीके से पिछले टाइम पर तैयारी हम करने में ज़रा नाकाम रहे थे, इस मरतबा पहले से तैयारी करेंगे और 8 से 10 इंशाल्लाह ज़िला पंचायत और जहां पर ज़िला पंचायत इलेक्शन लड़ रहे हैं वहां पर तालुका पंचायत इलेक्शन हम बड़े ताकत से और अवाम के भरोसे पर उतरते हुए इलेक्शन लड़ेंगे और अच्छे कैंडिडेट को यहां से टिकट देंगे और पूरी ताकत के साथ इलेक्शन का मुकाबला और सामना करेंगे। और इंशाल्लाह यहां से अमलापुर से गुज़िश्ता में हम बहुत कम वोटों से हारे थे, उसी तरीके से बगदल में भी बहुत कम वोटों से हारे थे। कई जगह पर हमारे कैंडिडेट मैं समझता हूँ 100 के अंदर वोटों से शायद हारे थे उस टाइम पर। इंशाल्लाह इस टाइम पर अवाम ने जो भरोसा पिछले टाइम पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पे दिखाया था, इंशाल्लाह हम यहाँ अमलापुर की यूनिट से भी गुजारिश करते हैं कि आप अवाम के फलाही कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ज़िले भर में अच्छे से अच्छे नौजवानों को वेल एजुकेटेड और जो लोग अवाम के दरमियान में रहकर अवाम के फलाम बहबूदी के काम और मसाइल हल करते हैं वैसे नौजवानों को और पढ़े लिखे लोगों को इंशाल्लाह टिकट देंगे। और ज़िले की अवाम से उम्मीद भी है कि नया इनकलाब यहाँ पर पैदा होगा, क्योंकि अब कोई पार्टी तो दूसरी अपोजिशन में बची नहीं, BJP और कांग्रेस ही दोनों हैं, या इन्हों अपने आप को अच्छा बोल रहा है, उन्होंने अपने आप को अच्छा बोलकर जो है ना सत्ता में काबिज होने के सोच रहे हैं। अब लिहाजा अवाम मुतबादिल की तलाश में है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बीदर ज़िले की अवाम के लिए बेहतरीन मुतबादिल है। इंशाल्लाह हम इलेक्शन की तैयारी ये कोटा फंडा ख़त्म होते कि शुरू करेंगे। जय हिंद जय कर्नाटक।